मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे मैंने प्लीज ऐसा ना कहो मैंने कुछ भी जान के नहीं किया प्लीज ये अच्छा है मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और कह दिया कि मैंने जानबूझकर नहीं किया बस करो उस ना प्लीज मुझे मुझे एक बार माफ कर दो एक बार माफ कर दो अली आपकी वजह से मैं ऐसे दौराहे पर खड़ा हूं जहां से ना तो रास्ता नजर आ रहा है ना ही मंजिल मैं जाकर भी आपको माफ नहीं कर सकता पापा तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वो करने नहीं दूंगा तुम हौसना को बेवकूफ बना सकती हो मुझे नहीं मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा कामयाब तो मैं हो गई अली यहां आपके घर आकर और बिल्कुल इसी तरह ना एक दिन मैं आपकी जिंदगी में भी आ जाऊंगी आप चाहो या ना चाहो तुम्हें जरा शर्म नहीं आती हुस्ना को धोखा देते हुए उसकी सादगी का फायदा उठाते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आती अरे धोखा आप उसे दे रहे हैं और इल्जाम मुझ पर वाह मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता निकलो यहां से अपना सामान बांधो और जाओ मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है नहीं अली आपका मुझसे जो ताल्लुक है ना वो किसी और से हो ही नहीं सकता मुझे तुमसे नफरत होने लगी है तो अच्छा है मोहब्बत भी मुझसे और नफरत भी मुझसे क्योंकि आपसे जुड़े हर एहसास पर सिर्फ मेरा हक है सिर्फ मेरा अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला तमन्ना अब नहीं अपनी कसम से कहो अपना सामान बांधे और निकल जाए कल सुबह यहां से कहीं और बंदोबस्त करे अपना अली आप ये क्या कह रहे हैं उसको बुरा लग रहा होगा बुरा लगता है तो लगे मेरे घर में सिर्फ वही रहेगा जिसको मैं रहने की इजाजत दूंगा बस हुस्ना मुझे पता होता ना कि अली तुम पर इतना गुस्सा करेंगे तो मैं कभी यहां नहीं आती क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूं अली आपने ही तो कहा था कि ये मेरा भी घर है तो मेरी बहन यहां क्यों नहीं रुक सकती हुस्ना तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूं लेकिन ये बात नहीं मान सकता इसे कहो जाए यहां से ये यहां से कहीं नहीं जाएगी मुझे तो आपकी बेजा जिद नहीं समझ आ रही अली ये मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही कह रही है हुस्ना ने जानबूझकर मुझे पैसे दिए ताकि अली के सामने वो अच्छी बन जाए और हम बुरे नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा हुस्ना ऐसा नहीं कर सकती लेकिन मामा वो ये बात तो कभी नहीं समझेंगे मुझे हुस्ना के पैसे लौटाने होंगे वैसे भी
बेशक ये पैसे हुस्ना ने दिए हैं, लेकिन हैं तो अली के ना। और जब वो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता तो उसकी मदद भी लेना मुझे मंजूर नहीं है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी मीना। तुमने देखा ना, अली मेरी वजह से यहां से चले गए हैं। वो मुझसे नफरत करते हैं। वो तुमसे क्यों नफरत करेंगे? बस गुस्से में। कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, मैं जानती हूं मीना। नहीं हुस्ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी हस्ती बस्ती जिंदगी में कोई मसला है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूं। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती। तुम कहीं नहीं जाओगी, अली की फिक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूंगी। तुम कितनी अच्छी हो ना हुस्ना, तुम जानती हो कि मेरा अली के साथ क्या ताल्लुक था। उसके बावजूद तुम मुझ पर शक नहीं करी और तुमने मुझे अपने घर पे रख लिया। अली से जो भी तुम्हारा ताल्लुक था, उससे पहले तुम मेरी बहन हो जो मुझसे बहुत प्यार करती, और मैं उस पर शक करने का सोच भी नहीं सकती। तुम सच कह रही हो ना हुस्ना, कहीं अम्मा और बाबा के एहसानात का बदला तो नहीं उतार रही? क्या हो गया मीना? मैं मामू जान का प्यार तुम्हारी मोहब्बत का बदला कभी भी नहीं चुका सकती। मेरी बहन मुझे इतनी मुश्किलों से मिली, उसको ऐसे ही जाने दो मैं यहां से, हो ही नहीं सकता। अच्छा तुम बैठो, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो बस एक काम याद आ गया, मैं वो करके आती हूँ, तुम बैठो। मुझसे क्या छुपा रही है उसने? तुम्हें अली की फिक्र सता रही है? कहाँ जाएगा? वापस तो उसे यही आना मेरे पास। सर कैसे पीछा छुड़ा हुआ, कैसे? अगर हुस्ना मुझे तमन्ना के साथ देख लेती तो नहीं, मुझे हुस्ना को समझाना होगा। हुस्ना मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? ये तमन्ना की साजिश है। मुझे तमन्ना को अपने घर नहीं रखना। ना कभी भी हुस्ना को मेरे बारे में सब कुछ बता सकती है, कभी भी। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं?
हो गया अली? पता नहीं अली कहाँ चले गए। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया कि मेरा फोन ही ना उठाए। मैं अभी क्या सोच रही हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग है मेरे और अली के बीच। अली कोई भी बात ठंडे दिमाग से सुनते ही नहीं है, फोन तक नहीं उठा रहे मेरा। तो मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही हूँ, ऊपर से वो है कि पहली दरार तो मैंने डाल दी तुम दोनों के दरमियान। कब तक मुझसे बचोगी हुस्ना? बहुत मान है ना तुम्हें अली पर? तुम्हारा ये मान मैंने खाक में ना मिला दिया तो कहना। एनी आजा बेटा। एनी एनी कहीं जा रही हो बेटा? यूनिवर्सिटी में थीसिस जमा करवाना है या कोई और काम है? एक्चुअली मैंने दो तीन जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसी सिलसिले में जा रही हूँ। जॉब? बेटा जॉब करना जरूरी है क्या? मामा आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? वक्त के साथ साथ हम दोनों कितने बदल गए। और वैसे भी काम करना कोई बुराई नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूं। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के बेटा। काश ये समझ मुझे पहले ही आ जाती मामा, आज फिर हमें ये दिन ना देखना पड़ता। परेशान मत हो मेरी जान, इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है। खुशी के वक्त में तो सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। एक बात कहूँ मामा? हाँ कहो। इस बुरे वक्त ने मुझे मेरी माँ से मिला दिया, जिसकी जिंदगी का महवर सिर्फ मैं हूं, जिसकी खुशी जिसका गम सिर्फ मुझसे जुड़ा है। अब मम्मी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। नाश्ता तो कर जा बेटा। मैं बाहर से कुछ खा लूंगी, आप बस दुआ कीजिएगा ये जॉब मुझे मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू मम्मा, खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह की अमान। या अल्लाह मेरी बच्ची को कामयाब करना। क्या आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से परेशान हो रही थी आपके लिए। अच्छा क्यों, मुझसे बात करने की फुर्सत मिल गई? क्या कह रहे हैं आप, अभी तक नाराज है मुझसे? आप क्यों नहीं समझ पा रहे अली,
कि मीना का मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। ये मेरा मसला नहीं है, कुछ भी हो जाए तमन्ना इस घर में नहीं रह सकती। क्यों कह रहे आप ऐसा, क्यों कर रहे आप इतना गुस्सा? अच्छा कहां रहेगी वो? जहां भी रहे लेकिन वो यहां नहीं रह सकती हुस्ना। और अगर मैं कहूं कि मैं उसको इस घर से नहीं जाने दूंगी तो फिर मेरा ये जवाब होगा कि तुम भी उसके साथ चली जाओ। क्या कह रहे लिया? हाँ हुस्ना, अगर मेरे से ज्यादा तमन्ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम उसके साथ चली जाओ। फिर ना तुम यहां क्या कर रही हो? तुम रो रही हो? नहीं तो मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। क्या क्या सुना तुमने? तुम्हारी और अली की बात है। मैं जानती हूं कि उन्हें मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करे। मैं ना तुम गलत समझ रही हो, अली ऐसे बिल्कुल नहीं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लगता तो नहीं। उसने क्या, ये तुम्हारा घर नहीं है? अगर तुम मुझे यहां ले भी आई थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अली तुम्हें इस तरह से ट्रीट करे। हाँ चलो ठीक है, मेरे साथ जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी किले शिकवे हैं, लेकिन तुम तो उनकी बीवी हो ना,
और वो खुद को समझते क्या हैं? वो तुम्हें यहां से जाने के लिए कह रहे थे और तुम भी चुपचाप सब सुनती रही। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो एक मिनट भी इस घर में नहीं रहती। लेकिन आप हुस्ना की जगह नहीं है और हम दोनों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अपने मसाइल बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं। पता नहीं एनी कहाँ रह गई। मना भी किया था कि पता नहीं क्या जरूरत थी इसे जॉब करने की। सुनती है भला कभी ये मेरी? मामा मामा सोनाती क्या हुआ है? मामा मुझे जॉब मिल गई है। रियली? जी बहुत मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी। आपको पता है इतनी अच्छी जॉब है। अच्छा मामा अब हमारे हालात बदल जाएंगे। सो हैप्पी फॉर यू। मामा मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? अब हम इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे। ये हम दोनों के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश कर रही है। तो क्या गलत कह रही थी? मैं जानती थी कि आप मेरी बात नहीं मानेंगी, इसीलिए मैंने आपके बगैर ही घर देख लिया। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद करने लगी हो। बेहतर होगा कि आप मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ और चली जाओ यहां से। थैंक यू हुस्ना, थैंक यू मेरी इतनी बेइज्जती करवाने के लिए, वो भी अपने घर बुलाकर। देखिए ये तुम्हारी कजन जिसकी तुम तरफदारी कर रही थी, ये हम दोनों के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश कर रही है। तो क्या गलत कह रही थी? सही तो कह रही थी। ये मेरा घर तो नहीं। हुस्ना ये घर क्या? मैं भी तुम्हारा हूं। वो तो दिख रहा है मुझे। तुम भी तमन्ना की बातों में आ रही हो। नहीं अली, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी वैल्यू आपकी जिंदगी में सिर्फ इतनी है कि आपने मुझे अपने घर से जाने को कह दिया। आई एम सॉरी हुस्ना। मेरा वो मकसद नहीं था। मैं गुस्से में वो सब बोल गया। सॉरी। तो गुस्से में आप मुझे अपनी जिंदगी और अपने घर से निकाल देंगे? हुस्ना नहीं, हुस्ना मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं ना, तो मेरी एक छोटी सी फरमाइश भी नहीं मानेंगे। मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी आपसे, प्लीज। हुस्ना तुमने ये जिद क्यों पकड़ ली है? तमन्ना के रहने का मसला है ना, तो ठीक है मैं उसकी रिहाइश का बंदोबस्त कर देता हूँ। लेकिन अली हुस्ना देखो, हुस्ना तुमने कहा कि तमन्ना के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम उसे कोई अपार्टमेंट ले देते, वो भी खुश हम भी खुश। लेकिन वो अकेले कैसे रहेगी अली? हुस्ना तमन्ना कोई बच्ची नहीं है और वैसे भी वो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। देखो हुस्ना मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं।
कि मैं उसे कैसे कहूँ कि वो यहाँ से चली जाए। उसे बुरा लग गया तो? क्यों बुरा लगेगा, हम उसे निकाल नहीं रहे बल्कि अलहदा एक जगह लेकर दे रहे। देखो उसना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करे। अरे वो तो बिल्कुल भी तंग नहीं करती, तनी आपको क्या मसला है उससे? अगर तुम्हें तमन्ना के बारे में पता चल जाए तो तुम उसकी शक्ल भी ना देखो। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। देखो उसना, बहुत बहस हो गई, अब सीधी तरह अपनी कजन को बोलो अपना बोरिया बिस्तर आप बांधे और जाए यहां से। ये सोच रहे हैं आप? वो वैसे बहुत दुखी है, उसको और दुखी नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। क्या मतलब? कुछ नहीं। हुस्ना, तुम्हें अपना शौहर, अपना घर प्यारा है या अपनी कजन? मैं कुछ समझी नहीं। देखो हुस्ना, एक शादीशुदा औरत के लिए सब रिश्तों से अहम होता है निकाह का बंधन। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करूंगा लेकिन यहां मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम तमन्ना से बात नहीं कर सकती तो मैं उससे बात कर लूंगा। मैं बात करूंगी उससे। ठीक है, क्या आप कुछ खिलाओगी? नहीं, सारी रात का कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। मैंने भी आपका इंतजार किया और कुछ नहीं खाया। चलें कुछ खा लें। अली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कभी तो तुम कहते थे कि ये मेरा घर है और आज मुझे यहां से निकालने पर तुले हो। पर नहीं, मैं भी इतनी आसानी से यहां से नहीं जाऊंगी। इस घर पर और तुम पर सिर्फ मेरा हक है और ये हक मुझे छीनना भी पड़ा ना तो मैं छीन कर रहूंगी। ये तो हमारा अपना घर है और वैसे भी अब तो हम काफी हद तक एडजस्ट हो भी चुके हैं। मामा, बात एडजस्टमेंट की नहीं है, बात क्वालिटी ऑफ लाइफ की है। अगर हमें इसे बेहतर घर मिल सकता है तो हम उसमें क्यों ना रहें? सुबह तो इतनी समझदारी की बातें करी थी और अब फिर वही बचपना। देखो बेटा, अभी तुम्हारी जॉब शुरू हुई है और क्यों तुम पैसे जाया करना चाहती हो? नया घर ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, उसका रेंट होता है और बाकी के सारे अखराजात कौन करेगा? मामा, आप उसकी फिक्र मत करें, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। बेटा क्यों फिक्र ना करूं, मैं तुम्हें ये पैसे जाया नहीं करने दूंगी। अभी तुम्हारी शादी करनी है, कितना बड़ा खर्चा सर पे, पता भी है तुम्हें कुछ? मामा पहली बात, मैंने अभी शादी नहीं करनी, मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मैंने अपनी मामा के लिए बहुत कुछ करना है। करे नहीं बेटा। मामा, मैंने आपकी सारी बातें मानी है तो अब आपको मेरी बात माननी होगी, प्लीज। मामा, हम बहुत महंगा नहीं बल्कि किसी साफ सुथरे इलाके में अच्छा सा घर ले लेंगे, बल्कि मैंने बात भी कर ली है। सब कुछ कर लेने के बाद मुझे अब बता रही है? मैं जानती थी कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने आपके बगैर ही घर देख लिया। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद करने लगी। मामा,
ये फैसला हम दोनों के लिए है, इसमें हम दोनों का फायदा है। बैठो। खाना डालो। तुम बात करोगी या मैं करूं? मैं बात करती हूँ। क्या हुआ, ऐसी भी क्या बात है? मैं सोच रही थी कि मैं मतलब हम सोच रहे थे कि तुम हमेशा से इंडिपेंडेंट रहने की आदी हो और तुम्हें पसंद भी हुई है, तो हम सोच रहे थे कि तुम्हें अलहदा घर दिला देते। तो साफ साफ कहो ना कि तुम मुझे अपने घर से निकालना चाहती हो। हुस्ना, इसका मतलब है कि वो सारे वादे तसल्लियां वो सब झूठ था? सच कहते, अपनी बहन अपनी होती है। काश मेरी अपनी बहन होती है जो मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाती। मेरी बात, और अगर मैं कहूं ये सब हुस्ना का नहीं मेरा फैसला है तो? एनी, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो हम इस घर का क्या करेंगे? इस घर का क्या है, बेच देंगे। अंदाजा नहीं, शायद तुम भूल गई हो कि ये घर तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी। अच्छा मामा, नहीं बेचेंगे हम इसको, किराए पे चढ़ा देंगे और महीने का किराया भी आएगा हमें इस तरह। लेकिन अब हम यहां पर नहीं रहेंगे। आप मुझसे नाराज हो गए? मामा, आप कहोगी तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसे खफा तो मत होए। मुझसे खफा नहीं हूं बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई फजूल खर्ची नहीं करने दूंगी, समझी? अच्छा तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया ना, भूख लगी होगी। मैं खाना लाती हूँ, दोनों मिलकर खाते हैं। और हाँ, अभी तो तुमने मुझे अपनी कंपनी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में सारी डिटेल्स बतानी है। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। मामा, मैं आपको वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो अली ने आपसे छीन लिया। तो क्या हुआ अगर मैं लड़की हूँ? मैं आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं अब आपको वो सारी खुशी दूंगी जो आपका हक है। तो फिर मैं ये कहूंगी कि अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है तो मेरे यहां रहने से आपको क्या मसला है? मेरे दिल में अगर कोई चोर होता तो मैं तुम्हें यहां एक मिनट के लिए भी ना रुकने देता, फिर चाहे हुस्ना को कितना ही बुरा क्यों ना लगता। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ और चली जाओ यहां से। थैंक यू।
थैंक यू हुस्ना, थैंक यू मेरी इतनी बेइज्जती करवाने के लिए, वो भी अपने घर बुलाकर। इससे अच्छा था कि मैं मर जाती। मीना मेरी बात सुनो, मीना ली क्या किया आपने? मैं कर रही दिनों से प्यार से बात, अब चलो उसको मनाए वरना वो कुछ करना बैठे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं जानता हूं उसको। मीना मीना मेरी बात सुनो, मीना मैं जानती हूँ कि तुम्हें अली की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं उनकी तरफ से तुम्हें सॉरी कहती हूँ। प्लीज तुम्हें किसी की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं हुस्ना, मुझ जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए। तुम जाओ यहां से। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चलो कोई तो खूबी है मुझ में जो मुझे सबसे अलग करती है। मीना मीना दरवाजा खोलो। हुस्ना चली जाओ यहां से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मीना देखो प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मीना मैं जानती हूँ कि तुम्हें अली की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं उनकी तरफ से तुम्हें सॉरी कहती हूँ। प्लीज तुम्हें किसी की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं हुस्ना, मुझ जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए। तुम जाओ यहां से। बेटा प्लीज ऐसी बातें मत करो। अच्छा प्लीज देखो एक बार दरवाजा तो खोलो प्लीज। मीना मीना दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना जाओ यहां से, अब मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं। चली जाओ यहां से तुम। मीना मेरी बात सुनो, मैं अली को समझाऊंगी। प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मीना प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे घबराहट हो रही, दरवाजा खोलो। मीना मीना कैसी हो मेरी जान? तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैं तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ विकी। एनी क्या हो गया है तुम्हें? अब तुमने मुझे इतना कमीना और लालची समझ लिया है क्या कि मैं तुम्हें जब भी फोन करूंगा तो पैसे ही मांगने के लिए फोन करूंगा? अच्छा तो फिर क्यों किए कॉल? वैसे ही तुम्हारा हाल जानना चाहता था, कैसी हो और कहाँ गायब हो? कोई मुलाकात नहीं, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे रे जाने मन, ये कहकर दिल तो ना तोड़ो। और ताल्लुक तो तुम्हारा है मेरे साथ, जिसको तुम चाहकर भी नहीं छुपा सकती। आखिर तुम चाहते क्या हो विकी? यही कि एक बार आकर मुझसे मिल लो। बल्कि आज रात को एक पार्टी है, इकट्ठे चलते हैं। अपनी बकवास बंद करो, नफरत है मुझे तुमसे, घिन आती है, आई समझ? मैं तो बस उस वक्त को कोसती हूं जब मैंने तुम पे भरोसा किया था। अब इतना बुरा भी नहीं हूं जाने मन, देखो सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और एक मैं हूं। मैं आज भी तुम्हारा साथ पाने के लिए बहुत बेचैन हूं। ऐसा इश्क कहां मिलेगा तुम्हें जाने मन? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चलो
कोई तो खूबी है मुझमें जो मुझे सबसे अलग करती है। खैर, मैंने तुमसे तुम्हारी इजाजत नहीं मांगी तो मैं इस पार्टी में आना होगा, समझी? और अगर मैं ना आऊं तो? तो तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मेरे घर? हाँ, मैंने तुम्हारे घर का पता चला लिया है। इतनी घटिया सी जगह रहती हो। सच में बहुत दुख होता है मुझे तुम्हें इस तरह देखकर। खैर, देख लो। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारा तुम्हारे उसी मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दूंगा। विकी, विकी प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। अरे यानी क्या हो गया है तुम्हें? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझ पर तुम्हारी मिन्नतों का कोई असर नहीं होने वाला। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो तुमने आइंदा मेरी बेटी को फोन करने की कोशिश की। अरे आंटी, आप तो एनी ने आपको सब कुछ बता ही दिया। सच में बहुत दुख होता है मुझे आप लोगों को इस तरह देखकर। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ हाँ, जरूर इन्फॉर्म करें, जरूर जाएं पुलिस के पास। लेकिन एक बात याद रखें कि अब आप नाहिद बेगम नहीं बल्कि एक मामूली से मोहल्ले में रहने वाली एक मामूली सी नाहिद है, तो कौन सुनेगा आपकी बात? और वैसे भी अब तो आपका वो लाडला भतीजा अली भी आपका साथ छोड़ गया, तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने और अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, समझे? और आइंदा तुमने अगर मेरी बेटी का पीछा किया या उसे फोन करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके? अब इस खेल का और भी मजा आएगा। अली, अली, अली प्लीज चले। देखिए वो दरवाजा नहीं खोल रही, मैं कह रही थी ना आपको प्लीज चले यार। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। अली प्लीज, इतने बेरहम ना बने, वो वैसे ही बहुत बिगड़ चुकी है। अगर उसने कोई कदम उठा लिया मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अली प्लीज। मैंने कहा ना मैंने नहीं जाना। आपको मेरी कसम है, प्लीज मेरी एक बार बात मान लें, प्लीज उसको मना लें, वो कोई कदम उठा लेगी, मैं बता रही हूं आपको। मम्मा जी, ये क्या कर रही हो? आइंदा वो तुम्हें अब कॉल ही नहीं कर पाएगा। वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। एनी बेटा, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। और फिर जब तुम्हारा नंबर ही बदल जाएगा तो तुम्हें कैसे कांटेक्ट करेगा वो? लेकिन मामा, अगर उसने मेरी तस्वीरें नेट पे डाल दी तो? मीना, मीना दरवाजा खोलो। आप देखिए मन्ना, ये तमाशा बंद करो, दरवाजा खोलो। अली, इसको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं हुआ उसको,
तमन्ना। पहले दरवाजा तोड़े। तमन्ना दरवाजा खोलो। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सब कीतड़ भपकियां हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो भी गया तो तब की तब देखी जाएगी। तमन्ना! तमन्ना! मेरा छोड़ो! तमन्ना! ध्यान से। क्या कर रही थी तुम? ये क्या कर रही थी बोलो? मर जाने देते ना मुझे, क्यों बचाया? तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? मेरा मतलब है उसना तो ये गम सह ही ना पाती। आपने ही कहा था ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। मैंने कहा था, तुम मना कर देती, जान देने चली थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी ना माफ कर पाता। जब तक यहां रह रही हूं ऐसा कुछ सोचना भी नहीं, समझी? वरना 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 क्या? वरना मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। दूसरों को तड़पाना आता है तुम्हें, है ना? मामा वो तो हमारे घर का पता जानता है। अगर वो यहां पर आ गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो इनी। कैसे परेशान ना हो? अगर वो यहां पर आ गया तो हमारा इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। हम ये घर छोड़ देंगे। मम्मा ये अब क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ ये घर आपके लिए कितना अहम है। तुम्हारे से ज्यादा मेरे लिए और कुछ अहम नहीं है। बस तुम फिक्र करना छोड़ दो। हम मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहां हमें ढूंढना भी मुश्किल हो। लेकिन मामा अगर वो वहां पर भी आ गया तो उसे कौन बताएगा? तुमने खुद ही तो कहा था ना कि तुमने कोई घर देखा है। बस जल्दी से प्रॉपर्टी डीलर को फोन करो। हम कल ही यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। मामा आप कितनी अच्छी हो, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? नहीं मेरा बच्चा मत रो। बेटा मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाके मुंह हाथ धो। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। गुड गर्ल। मुझे कुछ करना होगा विकी का। इस तरह तो मैं इनकी शादी भी नहीं कर सकूंगी। लेकिन मैं करूंगी तो क्या करूं?
आज कुछ हो जाता, मैं मामू जान मामी जान को क्या जवाब देती? तुम यहां क्यों? अच्छा नहीं लगा। तुम यहां क्या कर रही हो? आपका शुक्रिया अदा करने आई हूं। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। क्या जरूरत थी कदम उठाने की? तुम जो मुझे अपने घर से बाहर निकाल रही थी। सॉरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, बस अली ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था। मैं जानती हूं तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। वादा करो। कैसा वादा? कहीं ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी? तुम्हें अगर आज कुछ हो जाता, मैं मामू जान मामी जान को क्या जवाब देती? तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी ना माफ कर पाता। क्या हो गया था मुझे? मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। और अगर तमन्ना को कुछ हो जाता तो क्या मैं खुद को माफ कर पाता? नहीं, पता नहीं हुस्ना ने भी ये सब महसूस किया होगा या नहीं। मुझे खुद को संभालना होगा। मेरी एक भी गलती मेरी सुकून से भरी जिंदगी को तबाह कर देगी। मुझे तमन्ना से दूर रहना है बस। जी बीबी जी, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं अकरम, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ना बीबी से पूछ लेना। वो तो जी अपने कमरे में बंद है, दरवाजा ही नहीं खोला। चलो ठीक है, थोड़ी देर के बाद पूछ लेना। उनका ख्याल रखना, हमारी खास मेहमान है वो। जी बेहतर। मैं भी ना क्या क्या सोचने लगती हूँ।
मैं ना इस वक्त परेशान है, मुझे उससे खफा नहीं होना चाहिए। आखिर उन दोनों के बीच पुरानी बेतकल्लुफी तो थी ना, वो अनजान तो नहीं बन सकते। मुझे उन दोनों पर शक नहीं करना चाहिए। अली मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मीना वो तो मेरी जान, वो मुझे कोई दुख कैसे दे सकती है भला। Come in. तुम यहां क्यों? अच्छा नहीं लगा। तुम यहां क्या कर रही हो? आपका शुक्रिया अदा करने आई हूं। किस बात का शुक्रिया? आपने आज मेरी जान बचाई और मुझे यह एहसास दिलाया कि आप आज भी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलत फहमी हुस्ना को हो सकती है अली कासमी, मुझे नहीं।